बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, पर्सन टाइम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यानी टुडे करंट डेट से जो प्रोजेक्ट डेट है आज तक का कितना टाइम पर्सन कंप्लीट हो चुका है दो डेट के दरमियान, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर अब प्रोजेक्ट नेम कोई भी हो सकता है या टास्क है 1 2 3, वो नाम इधर आ जाएंगे, सीरियल और डेट, स्टार्ट डेट का एक कॉलम और एंड डेट का एक कॉलम, ड्यूरेशन के लिए आ जाएंगे फर्स्ट सेल में। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि करंट डेट के हिसाब से जो स्टार्ट डेट और एंड डेट थी प्रोजेक्ट की, उसका कितने परसेंट ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले नॉर्मल ड्यूरेशन के लिए इक्वल एंड डेट C2 माइनस कर देंगे स्टार्ट डेट, एंटर, और नंबर में चाहिए आंसर तो ये डेट में आ जाएगा क्योंकि डेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस सेल पे क्लिक और यहाँ नंबर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट डेट कैटेगरी आ गई। नॉर्मल जो सेल है एक्सेल में तमाम जर्नल होते हैं, तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो जर्नल सेलेक्ट 31 डेज जो है इन दोनों के ड्यूरेशन है, ड्रैग कर लेंगे जो भी स्टार्ट डेट और एंड डेट होगी उसके हिसाब से जो ड्यूरेशन है वो आ जाएगा। तो जो डेज के ड्यूरेशन है वो हमारे पास नंबर में आंसर आ गया। अब परसेंट ऑफ टाइम कंप्लीट करंट डेट कैलकुलेट के लिए टुडे फार्मूला हम लगाते हैं, तो इसको हम अप्लाई करेंगे टुडे इफ एरर और डेटेड इफ। तो ये किस तरह से एक साथ अप्लाई करेंगे, चलिए अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, परसेंट ऑफ टाइम कंप्लीट इक्वल इफ एरर डेट इफ ब्रैकेट ओपन और फर्स्ट स्टार्ट डेट सिलेक्ट B2, इसका सेल एड्रेस आ रहा है, करंट सिस्टम डेट से कैलकुलेट करना है तो कॉमा टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इनवर्टेड कॉमा करंट डेट से कैलकुलेट करना है और परसेंट ऑफ टाइम कंप्लीट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर D होगा डेज, यानी फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज कंटिन्यू होगा आगे ब्रैकेट क्लोज डेटेड इफ के अंदर जो हम काम कर रहे थे उसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब जो इफ एरर हमने अप्लाई किया था डेटेड इफ पूरा उसमें वैल्यू हो गई और कॉमा, जैसे कॉमा लगाएंगे वैल्यू ऑफ एरर में क्या चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा दे दिए, ब्लैंक कर दें, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब एंटर अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे डेज बता रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 मार्च और 2020 जो ईयर है स्टार्ट डेट, तो 14 डी हमने डी लिखा है, डी फॉर डे के लिए होता है और डेज ये बता रहा है अभी करंट टुडे यानी 24 है तो 14 डेज हो गए। लेकिन मैंने क्या कहा है यहाँ पर हमें जो आंसर चाहिए वो स्टार्ट डेट से करंट डेट तक कितने परसेंट हो चुका है टाइम इनकी ड्यूरेशन के हिसाब से एंड डेट की, तो यहाँ हम चाह रहे हैं कि परसेंट में लिखी हुई आए वैल्यू, तो नो टेंशन करना कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा काम करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट क्लोज किया था एडिट किया है मैंने दोबारा F2 और यहाँ हमने डेटेड इफ का ब्रैकेट क्लोज किया था, इधर डिवाइड का साइन और डिवाइड के साइन के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे हम ड्यूरेशन, बस ये चेंजेस यहाँ पे करनी है जो डेटेड इफ का ब्रैकेट क्लोज हो रहा है डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन के बाद सिलेक्ट करना है ड्यूरेशन कॉमा पर एंड में आ जाएगा 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक एंटर। तो यहाँ अब जो वैल्यू आएगी वो 0.4 यानी जो मैंने मंथली रखी थी डेट तो उस हिसाब से आ रही है, लेकिन परसेंट में आंसर चाहिए तो यहाँ नंबर सेक्शन में जाएंगे और परसेंट पे क्लिक, तो इसके हिसाब से जो करंट डेट है 45% जो है वो कंप्लीट हो चुका है टाइम। इसके बाद सेल पे आ जाएंगे लास्ट में
और ट्रैक कर देंगे। तो इस तरह सभी का जो होगा वो पर्सन के अंदर 2 डेट के दरमियान किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्सन टाइम कंप्लीटेड, इसके अंदर मैंने आपको समझाया कैलकुलेशन। तो प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ के लिए नहीं कमेंट करके पूछ सकते। अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।